2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज
विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब शत प्रतिशत वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं, तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवीय के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही है। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त है उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और इन परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी